सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कंपैरिजन बिटवीन चिमनी एंड एग्जॉस्ट फैन। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन चिमनी एंड एग्जॉस्ट फैन। क्यों हम अपनी किचन में चिमनी प्रेफर करते हैं देन एग्जॉस्ट फैन। हम कुछ लोगों के घर में चिमनी भी होती है और एग्जॉस्ट फैन भी होता है किचन में, बट हम फिर भी प्रेफर करते हैं चिमनी का होना अपनी किचन के अंदर। बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस चिमनी और एग्जॉस्ट फैन में ये है, एग्जॉस्ट फैन जो है हवा को सिर्फ सर्कुलेट करता है अपने अपने पंखों की वजह से। जैसे जैसे पंखा रोटेट होता है, जो भी हमारे किचन के अंदर धुआं उठता है बस उसको चारों तरफ वो फैला देता है, खींचता नहीं या बिल्कुल बाहर की तरफ उस धुएं को नहीं करता। जबकि चिमनी अपनी सक्शन पावर की हेल्प से पूरा जो धुआं होता है उसको सक करती है, डक पाइप के थ्रू बिल्कुल बाहर कर देती है। और चिमनी के अंदर फिल्टर्स होते हैं जो कि ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने के अंदर, उसको ऑयल ग्लोब्यूल्स को फिल्टर करती है एंड चिमनी की वजह से ऑयल ग्लोब्यूल्स इधर उधर हमारी किचन में फैलते नहीं है, जिसकी वजह से हमारी किचन प्रोटेक्टेड रहती है पीले होने से। अदरवाइज अगर हम चिमनी अगर अपनी किचन में इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारी किचन बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, उसके ऊपर एक ऑयल की थिक लेयर होना शुरू हो जाती है। अगर सिंपली आप एग्जॉस्ट फैन अगर अपनी किचन में चलाते हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी जो हवा है, अंदर की जो हवा है सिर्फ उसको सर्कुलेट करेगा। कुछ टाइम के बाद में वो हवा भी कहीं ना कहीं किचन के अंदर, रूम के अंदर, अगर आपका रूम अटैच्ड है रूम के अंदर भी, वो कहीं ना कहीं सप्रेस होके दब जाएगी, तो वो उतनी ही जगह में सर्कुलेट करेगी, वो बिल्कुल बाहर नहीं फेंकता हवा को। जबकि चिमनी प्रॉपरली सक करके बाहर फेंकती है हवा को, और प्लस उसके बाद में जो ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो तेल के जो कण होते हैं, उसको हमारे किचन के अंदर सेटल नहीं होने देती है, और इसकी वजह से हमारी जो किचन है वो काफी ज्यादा सेफ रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, बहुत जल्दी गंदी नहीं होती या पीली नहीं पड़ती। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एग्जॉस्ट फैन की जो पावर होती है हवा को सर्कुलेट करने की भी, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो हल्की सी सर्कुलेट करता है हवा को। बहुत ज्यादा अगर आपकी किचन में धुआं हो जाता है या फिर आप हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा स्मोक हो जाती है, तो वो उसको अच्छी तरीके से खींच नहीं पाता है, बाहर की तरफ उस स्मोक को फेंक नहीं पाता है। जबकि चिमनी का पूरा प्रोसेस सक्शन पावर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा चिमनी के अंदर सक्शन पावर होगी उतनी अच्छी चिमनी होगी एंड उतना ही अच्छी तरीके से चिमनी किचन के धुएं को सक करेगी और उसके बाद में डक पाइप के थ्रू बाहर फेंक देती है। फ्रेंड्स, ये था बहुत ही मेजर डिफरेंस बिटवीन चिमनी एंड एग्जॉस्ट फैन एंड क्यों हमें चिमनी प्रेफर करनी चाहिए एग्जॉस्ट फैन से अपनी किचन के अंदर। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।